गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर लेसन टू चिल्ड्रन एट वर्क बुक इज इट सो हैपन्ड। ओके, बिफोर यू रीड देयर आर मैनी रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लेवलीहुड, अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। वेलू एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। टायर्ड एंड हंग्री ही डजेंट नो वेयर टू गो वेयर। वैन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on moving train. Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker near him. A group of people sat their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. हाँ स्टूडेंट्स, देखिए ये जो कहानी है चिल्ड्रंस एट वर्क, जो गीता वुल्फ इसकी राइटर हैं उन्होंने लिखी है। गीता वुल्फ की ये जो है कहानी बहुत ही सेंसिबल कहानी है, जो कि घर से भागे हुए बच्चों के रहने पर केंद्रित है। वो घर से तो बाहर आ जाते हैं, भाग आते हैं, लेकिन बाहर उन्हें संसार में सुख नहीं मिलता, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। ठीक है, इस कहानी में वेलू नाम का एक लड़का है, वह 11 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसके पिताजी शराबी हैं। उसके पिता उन्हें और उनकी बहन को मारते थे, उनके द्वारा कमाए गए पैसे छीन लेते थे। वेलू प्रतिदिन की मार से तंग होकर घर से भागने का फैसला लेता है। वह पूरे दिन कन्नूर तमिलनाडु का एक ज़िले में टहला, बाद में कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सवार हो गया। कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उन्हें चेन्नई सेंट्रल स्टेशन ले आई। देयर लगेज लुकिंग एट हैंगिंग ऑन द रूफ द नॉइज वाज टेरिबल। उसका सामान भी छत पे लटक रहा था और बहुत सारा शोर हो रहा था। ओके, नेक्स्ट। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मेजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जगरी इन हिज बंडल। ही कैरीड अ शर्ट ए टॉवल एंड ए कॉम्ब। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। ओके, आ वेट अजय व्हाट न्यू टू द टाउन इच कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, Ajay. He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack. Her hair was